जय हिंद दोस्तों तो आज हम फिर से कुछ मल्टीपल प्राइवेट स्कूलों से आई हुई टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज देखने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे 25 प्लस प्राइवेट स्कूलों से आई हुई वैकेंसीज़ के बारे में और काफ़ी शानदार स्कूलों से वैकेंसी आ रही है नए नए स्कूलों से वैकेंसी आई हुई है तो आज है संडे और काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूल आपको देखने को मिलेंगे तो इसी तरह से रेगुलर बेसिस पर हम टीचिंग वैकेंसीज़ कवर करते रहते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर ले ये सारे वैकेंसीज के नोटिस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे तो चलिए देख लेते हैं एक बार देखिए सबसे पहली वैकेंसी आपकी बाल भारती पब्लिक स्कूल से आ रही है और बहुत ही शानदार वैकेंसी है ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है जो कि आपकी पीतमपुरा दिल्ली से वैकेंसी है ठीक है तो दिल्ली लोकेशन से बाल भारती पब्लिक स्कूल में वैकेंसी है जहां पर देखिए पी जी फाइन आर्ट्स की रिक्वायरमेंट है इसके बाद टी जी सोशल साइंस में वैकेंसी है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है विद बेड तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे टी टी डांस की भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है जिसमें ऑनर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन द सब्जेक्ट कंसर्न विद बी या फिर बी ठीक है जिसमें आप सब्जेक्ट देखिए असिस्टेंट टीचर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी है इसमें पहले मैथ्स है उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है उसके बाद मैथ्स एंड साइंस है ठीक है इसके बाद पाँचवा देखिए आप असिस्टेंट टीचर प्री स्कूल टू क्लास सेकेंड के लिए तो ये अलग से है और इसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है विद बी या बी यानी तो ई ठीक है इसमें ऑल सब्जेक्ट्स में है और स्पेशल एजुकेटर में है ठीक है तो असिस्टेंट टीचर फॉर प्राइमरी इसमें आपके दो दिख रहे हैं ए और बी पार्ट और असिस्टेंट टीचर जिसमें मैथ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और मैथ एंड साइंस कम्बाइंड ठीक है इसके बाद एच टी एम कोआर्डिनेटर की भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर पोस्ट नंबर वन टू फाइव के लिए एज लिमिट और पे स्केल जो एज पर नॉर्म्स होते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के उसी के अकॉर्डिंग रहने वाला है वन टू फाइव तक के पोस्ट के लिए इसमें देखिए और पोस्ट नंबर सिक्स जो है वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल है ठीक है स्टेम कोऑर्डिनेटर का जो पोस्ट है वो कॉन्टेक्चुल है बाकी सारे आपके रेगुलर बेसिस पे पोस्ट हैं और परमानेंट पोस्ट हैं काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये कैंडिडेट्स विद एक्सपीरियंस एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड प्रोफिसेंसी इन कंप्यूटर्स प्रेफर्ड ठीक है ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल भी प्रेफर टू फॉर पोस्ट नंबर टू टू फाइव ठीक है पीजीटी का पोस्ट छोड़ के दो से लेकर के पाँच तक के जो पोस्ट हैं आपके इसमें सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी इसके बाद देखिए ओनली शॉटलिस्ट कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू और इनकम्प्लीट फॉर्म्स विल भी रिजेक्टेड तो फॉर्म आपको फिल कैसे करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ आप बी बी पी एस पी पी डॉट बाल भारती डॉट ओ आर जी ऑफिशियल वेबसाइट क्यू आर एल है इस पर आप विजिट करें और वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा उसको आपको फिल कर देना है तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है इसमें ठीक है इसमें आपको मेल के माध्यम से सेंड नहीं करना है नेक्स्ट तो वैकेंसी देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी देखिए जो कि दयावती मोदी पब्लिक स्कूल से आ रही है ये मोदी नगर से वैकेंसी है ठीक है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट है देखिए एनटीटी और पीआरटी की इन ऑल सब्जेक्ट्स इसके बाद टीजीटी हिंदी साइंस म्यूजिक डांस आर्ट ड्राइंग पेंटिंग पीजीटी इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट नर्स स्कूल नर्स और रोलर स्केटिंग कोच ठीक है इस तरीके से ये वैकेंसी है ये मेल आईडी है इस पर आपको अपना रिज्यूम सेंड करना है डी एम पी एस डॉट रिक्रूटमेंट्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम और ये स्कूल के बारे में जानना चाहें तो आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है को एजुकेशनल स्कूल एफिलेटेड टू सी बस एप्लीकेंट मस्ट भी फ्लुएंट इन इंग्लिश कंप्यूटर लिटरेट एंड शुड भी क्वालिफाइड एज़ पर सी बस जो सी के नॉम्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग पी जी टी टी इन सभी के जो क्वालिफिकेशन होते हैं वो आपके पास होने ज़रूरी है विद इन अ वीक ऑफ आपको इस मेल आई डी अपना रिज्यूम सेंड कर देना है तो आज ये एडवर्टीजमेंट रिलीज़ हुई है आज से सात दिनों के भीतर आप ये सेंड कर सकते हैं डी एम पी एस डॉट रिक्रूटमेंट्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ठीक है अगली वैकेंसी देखिए नेक्स्ट वैकेंसी काफ़ी शानदार है ये जी डी का स्कूल से आ रही है और जी डी का स्कूल के दो ब्रांचेस में अभी वैकेंसी दिलियन सीआर में ओपन है तो पहला देख लेते हैं जी डी का स्कूल शक्तिखंड थ्री इंदिरापुरम गाजियाबाद से ठीक है यहाँ पर टीचिंग पोजिशन की बात करते हैं सबसे पहले तो टीचिंग पोजिशन में देखिए पीजी टी मैथमेटिक्स है पीजी टी इंग्लिश है पीजी टी फिजिक्स केमिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी टीजीटी में फिजिकल एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन में बास्केटबॉल वॉलीबॉल टेबल टेनिस स्केटिंग एंड एथलेटिक्स में रिक्वायरमेंट है टीजी टी में देखिए जर्मन और फ्रेंच इनमें से कोई भी एक इसके बाद सोशल साइंस जिसमें जोग्रफी हिस्ट्री और पोलिटिकल साइंस मैथमेटिक्स हिंदी एंड संस्कृत विद साइंस ठीक है इन सभी में रिक्वायरमेंट है आपके टीजी टी लेल पे पी जनरल इंग्लिश सोशल साइंस कंप्यूटर्स इन सभी में रिक्वायरमेंट है पी आर्ट एंड क्राफ्ट है प्री प्राइमरी टीचर्स है इसके बाद देखिए म्यूजिक वोकल टीचर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टीचर अर्ली ईयरस इन इंचार्ज नॉन टीचिंग पोजीशंस में भी कुछ वैकेंसी है जिसमें अकाउंटेंट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है पीआरओ है उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अपना रिज्यूम मेल कर देना है इस मेल आई पर रिज्यूम जी ओ ई एन के गोइंग का जी डी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ठीक है तो रिज्यूम गोइंग का जी डी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इस मेल आई डी पर रेजूम सेंड कर सकते हैं आप लास्ट डेट अप्लाई करने की बारह मार्च दो हज़ार चौबीस है इस दिन से पहले ही आप अपना रिज्यूम सेंड कर दें सब्जेक्ट लाइन में क्लियरली मेंशन करेंगे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपको वहां पर लिखना है रिज्यूम मार्च 2024 ठीक है तो सब्जेक्ट लाइन में आपको ये चीज लिखनी है ठीक है और उसके बाद आप अपना पोस्ट लिखेंगे ठीक है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं टीचिंग पोजिशन आर टू बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ वैकेंसी ओनली कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू सैलरी विल कमसोरेट विद एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन ठीक है तो जी डी गोइंका स्कूल से यह वैकेंसी है नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं अगली वैकेंसी देखिए जो कि क्यूसी क्विंस कार्मेल स्कूल से आ रही है यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है लोकेशन की बात करें तो एच एस जीरो फाइव बीटा वन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से ये वैकेंसी है यहाँ पर देखिए सोशल मीडिया कम आ, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव एक्स फीमेल की रिक्वायरमेंट है इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फीमेल यहाँ पर फीमेल की प्रेफरेंस दी जाएगी ऑल सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है जिसमें आपसे ऑनर्स मांगा जा रहा है ऑनर्स ग्रेजुएट विद बीएड और सीटेड क्वालिफाइड तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे प्राइमरी टीचर फीमेल की रिक्वायरमेंट है जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है और ऑनर्स ग्रेजुएट विद बी एड एंड ट्रेंट फ्रॉम आ... रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशन नर्सरी टीचर्स की रिक्वायरमेंट है फीमेल डांस एक्टिविटी टीचर फीमेल स्टाफ नर्स के रिक्वायरमेंट है तो इस तरीके से वैकेंसी है सैलरी एज पर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रहेगा प्लीज़ डू ब्रिंक योर ओरिजिनल टेस्टीमोनीज फॉर वेरीफिकेशन तो इंटरव्यू के दिन आपको सारी डॉक्यूमेंट्स लेके आ, उस दिन उपस्थित होना है इंटरव्यू डेट की बात करते हैं तो नौ मार्च दो हज़ार चौबीस है सैटरडे के दिन और चौदह मार्च दो हज़ार चौबीस थर्सडे के दिन ठीक है तो दो दिन आपकी इंटरव्यू है किसी भी दिन आप अटेंड कर सकते हैं एलेवन ए एम और को फ्रंट डेस्क फ्रंट डेस्क डांस एक्टिविटी टीचर्स और नर्स इन सभी की आपके इंटरव्यूज़ ग्यारह बजे से होंगे और बाकी जो टीचिंग पोजिशन है जिसमें नर्सी टीचर पी और टी इन सभी के लिए बारह बजे ट्वेल्व पी एम ऑनवर्ड से आपके इंटरव्यूज़ होने हैं नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं अगली वैकेंसी देखिए जो कि अभिनव ग्लोबल स्कूल से आ रही है ये वैकेंसी सेक्टर थर्टीन द्वारका न्यू दिल्ली से है रिक्वायरमेंट है यहाँ पर एनटीटी की इसके बाद पीआरटी की पी जी टी साइंस हिंदी और मैथ्स की जिसमें सीटेड पेपर टू क्वालिफाइड मांगा जा रहा है इसके बाद पी जी साइकोलॉजी बायोलॉजी मैथ्स और इंग्लिश इसके बाद कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट भी है इन सभी पोस्ट के लिए वॉक और उसके बाद आर्ट म्यूजिक डांस डेस्क ऑफिसर कंप्यूटर ऑपरेटर योगा टेबल टेनिस बास्केटबॉल स्पोर्ट्स फुल टाइम कोच इन सभी की रिक्वायरमेंट है तो सभी पोस्ट के लिए वॉक इंटरव्यू आपका नौ मार्च दो को आयोजित किया जाना है ए टी एम टू थ्री पी के बीच में तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के और सी के साथ अटेंड हो इस दिन नाइन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी ई कर सकते हैं आप यानी तो अपना सी वी द्वारका ट्वेंटी फोटीन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इस मेल आई डी पर ठीक है तो अभिनव ग्लोबल स्कूल से यह वैकेंसी है नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं अगली वैकेंसी है श्री राम वर्ल्ड स्कूल से यह भी सेक्टर टेन द्वारका न्यू दिल्ली से वैकेंसी है यहाँ फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी और यहाँ पर भी वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है आप देख सकते हैं ठीक है थीके? तो काफी स्कूलों में अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है पीजीटी इंग्लिश और फिजिक्स में यहाँ पर रिक्वायरमेंट है पी इंग्लिश हिंदी मैथ्स और उसके बाद साइंस फ्रेंच इन सभी में रिक्वायरमेंट है प्राइमरी टीचर्स में इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक्स क्लासेज वन एंड टू इन सभी के लिए रिक्वायरमेंट है नर्सरी टीचर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स इसके बाद इन सभी की वैकेंसी है आपकी ठीक है सैलरी एंड एज एज पर रूल्स मांगे जा रहे हैं कैंडिडेटेस क्वालिफाइंग थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन नीड नॉट अप्लाई ठीक है इंटरव्यू डेट की बात करें तो पाँच मार्च दो हज़ार और छः मार्च दो है सब्जेक्ट और टाइमिंग आप देख सकते हैं किन सब्जेक्ट का किस समय पर आपके इंटरव्यूज़ होने हैं और सात मार्च भी है ठीक है तीन दिन आपके इंटरव्यूज हो रहे हैं और तीनों दिन किस सब्जेक्ट का होगा कितने बजे से होगा ये सारी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है तो इसको आप आराम से देख ले बाकी टेलीग्राम पर आपको ये नोटिस देखने को मिलेगा वहाँ से आप रीड कर सकते हैं नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं अगली वैकेंसी देखिए जो कि समर्थ शिक्षा समिति से आ रही है ये आरम बाग पहाड़गंज न्यू दिल्ली से है और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वैकेंसीज इन इट्स थर्टी स्कूल अक्रॉस दिल्ली और न्यू दिल्ली ठीक है तो तीस स्कूल हैं इस, इस इसके तो इनमें वैकेंसी निकाली गई है और जगह जगह पर कोई वैकेंसीज होंगी तो सभी के लिए कंबाइंड वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है जिसमें आप देखें एन टी टी पी ऑल सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है तो आपकी कहीं कही ना कहीं किसी जगह पे वैकेंसी होगी स्पेशल एजुकेटर है पीजी में इंग्लिश हिंदी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कॉमर्स पोलिटिकल साइंस जोग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी है एक्टिविटी टीचर्स कंप्यूटर टीचर अकाउंट असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट इन सभी के रिक्वायरमेंट है मिनिमम सिक्सटी मार्क्स आपके टेंथ ऑनवर्ड से होने चाहिए तो ही आप इसके लिए अप्लाई करें एज लिमिट थर्टी ईयर रखी गई है कट ऑफ डेट इकतीस तीन दो है तो इकतीस मार्च 2024 तक आपकी एज तीस साल से अधिक नहीं होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए अंतिम तिथि 20 मार्च 2024 है ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्म अवेलेबल एट द रजिस्टर्ड ऑफिस कैन बी डाउनलोड फ्रॉम अ वेबसाइट ऑल्सो तो वेबसाइट से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं यानी तो ऑफिस से आप फॉर्म ले सकते हैं विद सेल्फ अटेस्टेड फोटो ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ठीक है नेक्स्ट वैकेंसी देखिए गीता रतन ग्लोबल स्कूल से आ रही है ये डी ब्लॉक सेक्टर सेवन रोहिणी न्यू दिल्ली से रिक्वायरमेंट है यहाँ पे फीमेल स्टाफ की जिसमें पीजीटी मैथ्स इंग्लिश कॉमर्स इकोनॉमिक्स हिंदी कंप्यूटर साइंस पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन है मिडिल एंड प्राइमरी कोऑर्डिनेटर है नर्सरी एंड प्राइमरी टीचर्स है ऑल सब्जेक्ट्स के लिए एक्टिविटी इंचार्ज एडमिन काउंसलर उसके बाद फ्रेंच डांस एंड म्यूजिक टीचर अदर्स में भी रिक्वायरमेंट है कुछ ठीक है तो इन सभी के लिए अप्लाई करने के लिए सात दिनों के भीतर आप मेल कर सकते हैं अपना रिज्यूम जी जी एस एच आर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एट द रेट जी मेल डॉट कॉम तो इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आप इसको एक बार आराम से देख लें ठीक है बाकी टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वैकेंसी ए पी जी स्कूल नोएडा से आ रही है यहाँ पर देखिए पीजी टी फिजिक्स केमिस्ट्री अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स इंग्लिश साइकोलॉजी फिजिकल एजुकेशन और पोल साइंस है टीजी टी हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस सोशल साइंस कंप्यूटर साइंस फ्रेंच है पीआर टी में भी मल्टीपल पोस्ट है पी पी आर टी है स्पेशल एजुकेटर एक्टिविटी टीचर्स इन सभी के लिए अप्लाई करने के लिए, लिए विद इन सेवन डेज आप इस मेल आई डी पर रिज्यूम सेंड कर सकते हैं करियस डॉट स्कूल डॉट एनवीडी एट द रेट टीम डॉट ए पीजे डॉट ई डी ओ ठीक है अगली वैकेंसी देखिए न्यू दिल्ली वाई एम सी ए से आ रही है पी ए टू द प्रिंसिपल पी जी टी इकनोमिक्स पीजी टी अकाउंटेंसी पीजी टी बिजनेस स्टडीज इन सभी में वैकेंसी है प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका दिल्ली होगा वाई एम सी ए पब्लिक स्कूल निजामुद्दीन ईस्ट में सैलरी विल बी कमसोरेट विद, विद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आपको अपना सीवी टाइप सीवी सेंड कर देना है विद इन फाइव डेज ठीक है सॉरी आपको ऑनली सुटेबल कैंडिडेट्स में अप्लाई विद्स अलग विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ठीक है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही आपको इसमें अप्लाई करना है ठीक है इसके बारे में डिटेल्स आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रीड कर सकते हैं इसको आराम से पॉज करके आप देख ले स्क्रीन शॉट लेने ले। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए बॉस्को पब्लिक स्कूल से आ रही है सुंदर विहिहार पश्चिम विहार, विहार दिल्ली से यहाँ रिकॉयरमेंट है पीआर इंग्लिश एस और आर्ट्स में टीजी इंग्लिश एस और साइंस में सोशल मीडिया मैनेजर बिजनेस डेवलपर उसके बाद ऑनलाइन एजुकेटर्स की रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन एज पर नॉम्स एक्सपीरियंस एंड इंग्लिश प्रोफिशेंसी इज प्रेफर्ड ठीक है सॉट स्टी कैंडस विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट्स ऑलरेडी अपलाइड डी नॉट अप्लाई अगेन अपलाई इन अ वीक विद लेटेस्ट रिज्यूम एट वैकेंसी एट द रेट बी ओ एस बॉस्को पब्बिक स्कूल डॉट कॉम ठीक है तो इस मेल आई डी पर रिज्यूम सेंड करके अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट वैकेंसी राइजिंग स्टार अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजनगर पीतमपुरा दिल्ली से है रिक्वायरमेंट है यहाँ पर बहुत सारे एन टी पीआर जनरल टी इंग्लिश संस्कृत एस एटी साइंस हिंदी एंड कंप्यूटर पी इंग्लिश केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स पोटिकल साइंस मैथ्स कॉमर्स इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस फाइन आर्ट्स सोशियोलॉजी अकेडमिक कोऑर्डिनेटर जिसमें प्राइमरी मिडिल और सीनियर विंग के लिए डांस एंड म्यूजिक टीचर नर्सरी नर्स के लिए और उसके बाद स्पेशल एजुकेटर फिजिकल एजुकेटर आर्ट एंड क्राफ्ट आई टी पसन फॉर मैनेजिंग ऑल कंप्यूटर वर्क एंड स्किल्ड पर्सन फॉर एम्ब्रॉडरी बेकरी ब्यूटी एंड वेलनेस ठीक है एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल पोस्ट अप्लाई करने के लिए फॉर्म आपको मिल जाएगा अप्लाई ऑन प्रिस्िस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद थ्री पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट वॉक इन इंटरव्यू तो सभी चीज़ों के साथ आपको उपस्थित होना है इस इंटरव्यू वाले दिन जो कि आपका चार मार्च से लेकर के नौ मार्च दो के बीच में चल रहा है नाइन थर्टी से ट्वेल्व नून के बीच में आप कभी भी, भी अटेंड कर सकते हैं नेक्स्ट वैकेंसी सेंट मार्क पब्लिक स्कूल से आ रही है मेरा वक्त दिल्ली से यह वैकेंसी हमने पहले देखा था सेशन 2024-25 की वैकेंसी है पीजीटी होम साइंस और सोशियोलॉजी है टीजीटी इंग्लिश हिंदी मैथ्स साइंस एस और फ्रेंच है प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी टीचर स्पेशल एजुकेटर क्लास असिस्टेंट सभी के लिए अप्लाई करने के लिए अंतिम तिथि पंद्रह मार्च दो है ए टी एम टू ट्वेल टू पी के बीच में आप फॉर्म ले सकते हैं स्कूल के रिसेप्शन से ठीक है क्वालिफिकेशन एज एंड पे स्किल एज पर डेली एडमिन रूल्स होने वाले हैं और इसके बाद इसको आराम से आप रीड कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट वैकेंसी देखिए एमिटी इंटरनेशनल स्कूल साकेत से है डी जी टी हिंदी पी आर इंग्लिश म्यूजिक टीचर कंप्यूटर टीचर को टीचर कराटे टीचर लेव इंचार्ज डॉक्टर नर्स इन सभी के रिक्वायरमेंट है विद इन सेवन डेज आप इस मेल आई डी पर रिज्यूम सेंड कर दें प्रिंसिपल एट द रेट ए इस मेल आई डी पर रेजूम सेंड करके आप अप्लाई कर सकते हैं अच्छी वैकेंसी है इसको पॉज करके आप रीड कर सकते हैं नेक्स्ट वैकेंसी देखिए ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल से दिलसाद गार्डन जी टी दिल्ली से है रिक्वायरमेंट है फीमेल टीचर्स की हेडमिस्ट्रेस कोऑर्डिनेटर सीनियर मिडिल प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी के लिए उसके बाद पीजी में इंग्लिश मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी कॉमर्स इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस है पी टी में इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस हिंदी संस्कृत और कंप्यूटर है प्री प्राइमरी प्राइमरी और उसके बाद म्यूजिक एंड डांस टीचर है पी ए टी ड्रॉइंग टीचर लाइब्रेन विद इन टेन डेज आपको अप्लाई करना है फॉर्म आपको एप्लीकेशन फॉर्म स्कूल के रिसेप्शन से मिल जाएगा नाइन ए एम टू वन पी के बीच में ऑन स्कूल और एंड ऑन स्कूल वेबसाइट ठीक है डब्ल्यू 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 डॉट ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल डॉट कॉम इस स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आप विजिट करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं यानी तो रिसेप्शन से भी ले सकते हैं जो शॉर्टेस्ट होंगे उनको ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा ठीक है नेक्स्ट वैकेंसी देखिए वी आन इंटरनेशनल स्कूल से आ रही है बी ब्लॉक प्रीत विहार न्यू दिल्ली से रिक्वायरमेंट है यहाँ पर जिनमें प्रिंसिपल की वैकेंसी है पी इंग्लिश फिजिक्स कंप्यूटर साइंस उसके बाद केमिस्ट्री मैथ फिजिकल एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स है टी में इंग्लिस एस एस मैथ साइंस हिंदी और उसके बाद कंप्यूटर इन सभी में रिक्वायरमेंट है पी मदर टीचर और ग्रेड वन और टू के लिए उसके बाद पी मैथ्स हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर एस और साइंस नर्सरी टीचर आई असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट इन सभी की वैकेंसी है आपके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट भी है कुछ सॉटेस्ट कॉन् कैंडिडेटेटेटेटेट्स विल भी कॉल फॉर इंटरव्यू सेंड योर रिज्यूम ऑन आर मेल आई 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 डी मेल आई डी आपको ऊपर मेन्शन की हुई है इनफो डॉट वी आई एस ट्वेंटी थ्री एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इस मेल आई डी पर रिजूम सेंड करके अपलाई कर सकते हैं आप अगली वैकेंसी देखिए तीन स्कूल हैं कला निकेतन इंटरनेशनल स्कूल ठीक है यहाँ पे भी मल्टीपल पोस्ट है ठीक है अप्लाई करने के लिए फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी विद इन सेवन डेज आप इस मेल आई पे इन्फो एट द रेट कला निकेतन डॉट ओ पे अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं सेकंड स्कूल है सेंट टेरेसा स्कूल वसुंधरा एंड कौशाम्बी से आ रही है और यहाँ पर तीन से पाँच साल जिनके पास एक्सपीरियंस है इन सभी पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू है चार मार्च दो को सेंट सेंट अरेसा स्कूल में ही ठीक है लोकेशन आप देख सकते हैं और इसके बाद ट्वेल्व टू फोर थर्टी पी आप ये टाइमिंग रहेगी इस दिन आपको अटेंड होना है इसके बाद पंचशील स्कूल है यहाँ पर ये आपका जैतपुर बदरपुर न्यू दिल्ली फोर्टी फोर से यहाँ पे इन सभी पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है और पी जी टी ऑल सब्जेक्ट पी आर टी टी ऑल सब्जेक्ट्स और भी कुछ पोस्ट है मेल कर सकते हैं आप अप अपना सीवी रिज्यूम डॉट पी पी एस वन टू थ्री फोर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ठीक है इन तीनों वैकेंसी को आप आराम से देख लें एलकॉन इंटरनेशनल स्कूल से वैकेंसी है मयूर विहार फेज वन अर्जेंट रिक्वायरमेंट है पी जी टी मैथ्स जो कि लीव वैकेंसी है टी जी टी मैथ साइंस हिंदी एस 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 और पी आर टी मैथ्स जो कि लीव वैकेंसी है इंग्लिश ई वी एस टेक्निकल असिस्टेंट विद आई टी आई इन इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड इन सभी की रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन एज पर रोल्स है जॉब्स एलकॉन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम दस मार्च दो हज़ार चौबीस से पहले इस मेल आई डी रिज्यूम सेंड करके अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट वैकेंसी देखिए जो कि ओम फाउंडेशन स्कूल से है टी जी टी इंग्लिश डेटा साइंस और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट है लोकेशन नोएडा है ई मेल कर सकते हैं आप अपना रिज्यूम इन्फो एट द रेट ओम फाउंडेशन डॉट इन पे नेक्स्ट वैकेंसी देखिए जो कि सेंट प्रयाग पब्लिक स्कूल से है यह पीतमपुरा से वैकेंसी है और यहाँ पे ये सारी पोस्ट पे आपकी वैकेंसी इसको एक बार आप पोस्ट करके देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए सेंट प्रयाग एट द रेट याहू डॉट इन इस मेल आई पे फोटोग्राफ और आधार कार्ड आप सेंड कर सकते हैं ठीक है थीके? तो बायोडाटा ठीक है तीन चीजें आपको सेंड करनी है बायोडाटा फोटोग्राफ और आधार इसके बाद जीडी डी का पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा से वैकेंसी है 2024-25 सेशन से के लिए नर्सरी टीचर फीमेल प्राइमरी टीचर टीजीटी में इंग्लिश हिंदी मैथ्थ साइंस एस संस्कृत फ्रेंच एंड जर्मन पीजीटी में इंग्लिश मैथ्स पोस्ट साइंस हिस्ट्री अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर एंड साइकोलॉजी लाइब्रेरियन स्पेशल एजुकेटर काउंसलर ऑफिस असिस्टेंट आई टी अकाउंट लैब असिस्टेंट स्टाफ नर्स को करिकुलर इन सभी में आपकी वैकेंसी है ड्यूली फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म मे बी सेंड टू द स्कूल ई मेल आई जॉब्स एट द रेट जी डी नोएडा डॉट ई डी यू इन इस मेल आई डी पे आप अपना रिज्यूम सेंड करके अप्लाई कर सकते हैं कोई फीस नहीं है ठीक है तो अच्छी वैकेंसी है इसको आप देख लें एक बार लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ से अगली वैकेंसी देखिए जो कि रजू भैया सैनिक विद्या मंदिर से आ रही है यह वैकेंसी आपकी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से है ओनली फॉर रेसिडेंसलियलियलियलियलिय टीचर डिजिटी इंग्लिश सोशल साइंस और साइंस कंप्यूटर में वैकेंसी एक्टिविटी टीचर स्पेशल एजुकेटर पीटीआई एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर मार्केटिंग सुपरवाइजर हॉस्टल वार्डन इन सभी में रिक्वायरमेंट है दो हज़ार चौबीस पच्चीस की वैकेंसी है लास्ट डेट अप्लाई करने की पाँच मार्च दो हज़ार चौबीस है और अप्लाई ऑनलाइन वाया ई मेल एट तो ई मेल आई डी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं प्रिंसि प्रिंसिपल डॉट आर बी एस वी एम एट द रेट जी मेल डॉट कॉम और लिटिल फ्लावर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवाजी पार्क सहादरा दिल्ली से है यहाँ पे भी पी जी टी टी जी टी डी आई टी एन टी टी लाइब्रेरियन नर्स इन सभी में रिक्वायरमेंट है इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अपना मेल कर देना है रिज्यूम करियर एट द रेट आई एफ पी एस दिल्ली डॉट कॉम इस मेल आई डी पर रिज़ूम सेंड कर सकते हैं आप ठीक है तो इस तरीके से ट्वेंटी फाइव प्लस प्राइवेट स्कूलों से आई भी वैकेंसीज थी जिन्हें आज हमने आपके साथ डिस्कस की तो थैंक यू